जहाँ पे मैंने सैंडविच खाया वहाँ पे जैसे हम बिल पे करने गए तो पता नहीं क्यों भैया ने हमें बिल पे करने से मना कर दिया। मेरा तो अभी चैनल भी छोटा है, मैंने बोला कि ऐसा घूमते फाइनली काश मंदिर के सामने मधुरम सैंडविच भाई वाले भैया के पास में आ चुका हूँ और देख सकते कितने स्पेशल तरीके से हमारे इतना प्यारा सैंडविच बना रहे हैं। और भैया मैं पूछना चाहूँगा कि ये शायद इंडिया का सबसे तक सबसे बड़ा सैंडविच लग रहा है मुझे, क्योंकि इसकी ब्रेड आप बहुत ज़्यादा बड़ी है, ऐसा क्यों? सर 5 इंच 7 इंच का है हमारा। ओके, ब्रेड भी होममेड होता है, एगलेस रहता है हमारा, खुद का कुकर होता है। चलो मतलब जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं ये कितने ही बड़े प्यार से इतना स्पेशल तरीके से ये सैंडविच बना रहे हैं, और इनमें से एक हमारे लिए भी ऑर्डर है। और अभी हम 56 स्ट्रीट पे कुछ ना कुछ खाते हुए आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी पेट में जगह भैया आपके सैंडविच के लिए रह गई मतलब थोड़ी ज़्यादा ही। अच्छा हुआ पहले यहाँ नहीं आया। हाँ सही है, आपके 2-3 काउंटर छूट जाते हैं। बहुत सही बात भैया। तो आप देख सकते हैं इधर कितना बड़ा सेटअप में इनका काम रहता है और कितना फास्ट इनको करना पड़ता है, क्योंकि बाहर देख सकते हैं कितनी पब्लिक ऑलरेडी वेटिंग पे रहती है इनके सैंडविच के लिए। वीडियो कोई भी फास्ट नहीं कर रहा, ये बैग खुद की नेचुरल स्पीड है इतना फास्ट काम करने की। वाटर बॉटल बटा है। टू बी ऑनेस्ट, ये मैं इतने जगह घूमता हूँ, इतनी जगह का सैंडविच खाया होगा, लेकिन ये कुछ वास्तव में स्पेशल सैंडविच है मेरे लिए। जी सर हो जाएगा सर, कितना पैक करना है? ओके सर, सर 10 मिनट बस बटा। 12 रुपये कर दे दी उसके ऊपर कौन के गाने जी सर, कितना? जी सर कैसे? मेरे फ्रेंड्स बहुत जेलस होने वाले, सही बता रहा हूँ। आज भी यहीं पे होगा। एक आपका नाम? 150 सर। ये क्या कैचअप है? ये हमारा सिल्ला चटनी, ग्रीन वाला लहसुन वाला। और एज अ मारवाड़ी मेरे को ये लहसुन तो बहुत पसंद आ रहा है। जी, ये पत्थर पे बना हुआ है सर। हाँ, सिलबट्टे में बनता है ना, मशीन लग गई है, लेकिन प्रोसेस हुई है। अरे वाह, लेकिन मतलब थोड़ा वो अपना कल्चर का स्वाद भी है इसमें चटनी में, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, ये एक सर आपका। थैंक यू सो मच भैया, आपने इतना स्पेशल सैंडविच बना कर दिया। तो भैया बहुत प्यारा इंसिडेंट हुआ साथ में, जब जहाँ पे मैंने सैंडविच खाया वहाँ पे जैसे हम बिल पे करने गए तो पता नहीं क्यों भैया ने हमें बिल पे करने से मना कर दिया। मेरा तो अभी चैनल भी छोटा है, मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो मेहनत है आप लीजिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना कि आप छोटे भाई जैसे हो और आप रिस्क ले रहे हो, और मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही। और मैं लाइक क्या बोलूँ यार, मतलब लिटरली, और मैं पता नहीं, मैं इतना इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं भैया नहीं, आपका मेहनत है ना, और सैंडविच का तो भाई क्या मजा आ गया ना। सैंडविच वापस आएंगे इसके लिए, वापस आएंगे इसके लिए। सैंडविच बहुत ज़्यादा अच्छा था, और बस अब ये ऐसा कुछ एंजॉय किया और ऐसे कुछ प्यारी प्यारी बातें हो गई और यहाँ पे लग गई, और बस पापा।
अभी आगे चल के देखते हैं। Ba-ba-da-ba-da-ba-da.